उसके विषय में बताइए। पूछिए भाई, जो पूछना है पूछो। जो वर्ल्ड कप को लेकर के सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वर्ल्ड कप के बाद में पीएम मोदी खुद मिलने के लिए आए और पीएम मोदी ने जो है आप सभी लोगों को जो हौसला बनाया है, लेकिन राहुल गांधी ने जो है वर्ल्ड कप को लेकर के जो है एक छींटाकशी की है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक पनौती थे जिसकी वजह से ये मैच आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यार, ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारी समझ में तो आते नहीं, क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हो। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, जिस चीज़ पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज़ पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो जो चीज़ें आप जो बीच में लाते हो, मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज़। अच्छा, तो अब जो वर्ल्ड क्या कप है रहा, जो उसको वर्ल्ड कप लेकर, में क्या कमियां लगी हैं आपको कि कुछ और सुधार की ज़रूरत है? यार ओवरऑल तो आपने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है सबका, क्योंकि 11 में से 10 मैच जीते हैं, 10 में से 10 जीते थे उस टाइम। सो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक बैड डे हो सकता है, जो वो किसी भी टाइम हो सकता है। मेरे हिसाब से वो दिन हमारा नहीं था। मेरे हिसाब से कुछ एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा, या फिर हम थोड़े रन कम रहे, वो सब चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो हमें डाउन करे, या मॉरल डाउन हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो। शामी भाई, रन भी बहुत ज़्यादा नहीं बन पाए और विकेट्स भी नहीं ली जा सके, तो क्या शाम का वक्त हो गया था, पिच की कोई बात थी या ओस का कुछ इफेक्ट रहा बॉलिंग में? देखिए, हमेशा आप लोगों ने देखा ही है कि जब शाम को बैटिंग होती है, डे नाइट मैच में जब सेकंड इनिंग आती है, तो बैटिंग के लिए और बेटर हो जाता है विकेट, तो वो एक फैक्टर हो जाता है। और विकेट थोड़ी स्लो भी हो जाती है, फास्ट बॉलर्स को उतनी मदद नहीं मिलती, तो वो एक रीज़न रहा है। क्या सामी भाई, देश के सामी भाई प्रधानमंत्री आपने वहाँ जो पर है पहुंचे आपने थे। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में अमरोहा का भी नाम रोशन किया है, भारत का भी नाम रोशन किया है, और सरकार यहाँ आपके यहाँ पर स्टेडियम के लिए बाकायदा यहाँ ज़मीन तलाशी जा चुकी है, उसका प्रस्ताव जा चुका है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके लिए सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा सरकार का भी, और जिसने भी ये स्टेप लिए हैं सबने मिलकर, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ टैलेंट बहुत है और बहुत बच्चों को ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स में भी आगे जाएं, लोगों को जागरूक करें। तो ये चीज़ टैलेंट के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी थी कि हमारे यहाँ पे एक अच्छे स्पोर्ट्स एकेडमी हो, स्टेडियम हो, जहाँ पे लोग अपने स्किल को जानें, लोग उसको कुछ कोचिज़ उन लोगों को सिखाएं, कुछ बेटर करें, वो बहुत ज़रूरी था। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हुई है यहाँ के यंग टैलेंट के लिए। चंद भाई, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। आप तो अमरोहा क्या देश का बड़ा नाम आप हो चुके हैं, आप अच्छी बात यह है याद रखते हैं इस चीज़ को किस बैकग्राउंड से आप निकले, तो विशेषकर जो अब यहाँ के यूथ आप पर उम्मीदें करता है, तो आप क्या करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं? आप अपनी तरफ से क्या, मतलब मॉरल सपोर्ट या और भी कुछ? देखिए, हमेशा से मैं बात करता आया हूँ, क्योंकि जब जो जनरेशन आ रही है, जो टाइम अभी का दिख रहा है लोगों में, जो हमारी ज़रूरतें बन गई हैं, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें काउंट करके हम अच्छा कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने पहले भी बोला था, अगर मेरी कहीं ज़रूरत है हमारे यहाँ के यंग टैलेंट को, यंग यूथ को, या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरी ज़रूरत है, मैं खड़ा हूँ। और ये यंग जनरेशन को भी सोचना पड़ेगा कि हमें किस वे में जाना है, हमारा कौन सा टैलेंट है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हाँ, फैसिलिटीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि जब विलेज में नहीं मिल पाती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है इन चीज़ों में। तो अब ये यूथ का यही है कि आपको एक स्टेप ऊपर आना है, आपको अपना मैच्योरिटी दिखाना है, अपना स्किल दिखाना है और देश का नाम रोशन करना है। चाहे भाई, प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं, तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है, और जब ऐसे ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। शमी भाई, अपनी टीम ने 10 के 10 मैच बहुत अच्छी तरह से जीते, और जब फाइनल की हम बात करें, हालांकि मोराल अप था टीम का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल में हमारी टीम इंडिया कहीं दिखी नहीं, बैटिंग फील्डिंग में भी थोड़ी सी हमारे लूज पॉइंट्स रहे, तो क्या कारण था? क्या बड़े मैच का दबाव था या कुछ और बात रही, या वीआईपी का जो मोमेंट था, क्या वो भी एक प्रेशर था?
नहीं यार ऐसा कुछ नहीं था, हम कभी ये सोचते नहीं मोमेंट किसका है या फिर क्या होता है, और ज़्यादा ओवर थिंक हम करते नहीं है मैच के मैच को लेकर, क्योंकि जो प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट 10 मैच में किया था सेम प्रोसेस था, सेम एटीट्यूड था, सेम स्किल एग्जीक्यूट करने देख रहे थे, सेम प्लानिंग के साथ जा रहे थे। मैं फिर से वही कहूँगा कि एक बैड डे हो सकता है, वो शायद हमारा फाइनल। पहले चार मैच में बाहर रहे आप टीम से, तब क्या दिमाग में चल रहा था, क्या कुछ यार मेरी अप्रोच एक ही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसी चीज़ है, क्योंकि आपके जो 15 हैं मेरे साथ अश्विन भी बाहर थे, तो अगर 600-700 विकेट लेके बेंच पे बैठा तो टीम की क्या कैपेसिटी होगी आपको आइडिया लग जाता है। तो वहाँ पे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये हमारा बंदा क्या करेगा क्या नहीं कर रहा, ये खेल रहा है मैं नहीं खेल रहा हूँ, कभी आज तक वैसे मन में आया नहीं है ये सवाल। मैं हमेशा यही चाहता हूँ अगर मैं बैठा हूँ और कोई 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो वो अच्छा ही करके आए, टीम के लिए बेटर करके आए, टीम को जिता कर लाएं, वो हमारा मेन गोल रहता है। क्या पिच की कमी मानी जाए इसको, दोबारा पूछो क्या कारण है कि जो स्कोर कम रहा है या पिच की कमी मानी जाए इसमें, या फिर जो प्रदर्शन करना था जैसे आस और उम्मीद तमाम आवाम को आप लोगों को लगी थी, तो उसके लिए क्या संकेत है आपकी तरफ से? देखिए बहुत सारी चीज़ें काउंट, टेक्निकली अगर आप देखना चाहें तो डे नाइट मैच में हमेशा बैटिंग शाम को अच्छी होती है, पिच स्लो हो जाती हैं, वो सब चीज़ें काउंट तो आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि वो टेक्निकल हैं। तो अगर सामने वाली टीम जीतती है टॉस और वो बैटिंग को हमें इनवाइट करती है तो हमें बैटिंग करनी ही होगी, तो वो एक हो सकता है कि हाँ वो उन लोगों को एक बेनिफिट है। सेकेंड की रन आपने देखा ही है कि 240 रन फाइनल में एक ऐसी टीम के अगेंस्ट, मेरे हिसाब से 30-40 रन और बनते तो मैच में और ज़्यादा मज़ा आता, हो सकता है रिजल्ट हमारे फेवर में होता। तो क्या पहले खेलना जो है वो हार की बड़ी वजह है? यार वो हमारे हाथ में नहीं था क्योंकि हम टॉस जीते नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला अगर बॉलिंग करना चाहता है तो वो टीम को बॉलिंग करनी पड़ेगी। फोटो वायरल हो रहा है, वो वर्ल्ड कप पे पैर रखे हुए हैं। यार मुझे ये चीज़ बहुत मुझे भी हर्ट हुई है, क्योंकि जिस ट्रॉफी के लिए कंट्री की सारी टीमें लड़ती हैं, जो अचीवमेंट कर आप पाना चाहते हैं, जो ट्रॉफी आप अपने हाथों में सर के ऊपर उठाना चाहते हैं, वो ट्रॉफी पैर पर लगाना वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी तो उस दौरान हालांकि इंडिया मैच हार चुकी थी, हमारी सरजमी पे मैच हो रहा था, प्रधानमंत्री ने किस तरीके से आप लोगों का क्या बात हुई, क्या बात क्या हुई, ये आप मुझसे सुनना चाहते हो? आपको वीडियो भी सोशल मीडिया पे घूम रही है, ऑडियो के साथ घूम रही है, आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे उन्होंने सबका साहस बढ़ाया है, कैसे उन्होंने सबसे मुलाकात की है, ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना एक छोटी चीज़ नहीं है। आपने 7 विकेट लिए थे भाई, आप बेस्ट, आप शानदार आपका प्रदर्शन था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने आपको कुछ कहा? हालांकि सौगात तो मिल गई है, योगी सरकार ने आपको दे दी है। देखिए मेरी हमेशा कोशिश यही है कि कंट्री के लिए बेटर करते रहें और अच्छा करते रहें, टीम जीतती रहे, और मेरा यही कहना है कि सब लोगों को अपना 100% देते रहो, कंट्री को जिताते रहो। सौगात की तो हम कभी नहीं सोचते हैं, सौगात ये दी है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्टेडियम मिला है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए, उसके उसमें से कोई ना कोई प्लेयर बाहर निकल कर आना चाहिए, उस चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए। समय भाई, आपने लॉकडाउन में लगातार यहाँ मेहनत की, क्या उसी का नतीजा कि आप जो है लगातार इसमें विकेट लेते रहे? भाई मेहनत हमेशा रंग लाती है, आपको पता ही है, सब लोगों का कहावत में भी यही है, तो मेहनत तो आप घर पे करो बाहर करो, मेहनत अगर करोगे तो शायद रंग तो लाएगी। ठीक है, शुक्रिया। टारगेट करने की वो थी, क्या सोच रहे थे आप एक रात पहले? नहीं यार, एक रात पहले ऐसा कुछ माइंड में नहीं था, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा था, स्किल अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। हाँ, जब बड़ा मैच होता है तो हमेशा कहीं ना कहीं हम सोचे नहीं, लेकिन प्रेशर रहता है हमेशा, कहीं ना कहीं माइंड वहाँ पे वर्क करता रहता है। आप चाहें कि हम चिल हो जाएं तो वो होता नहीं है, क्योंकि जब तक ख़त्म ना हो जाए टूर्नामेंट, जब तक हम शांत बैठते नहीं हैं, तो ज़रूर थोड़ा तो कहीं ना कहीं रहता है, मानते नहीं प्रेशर, वो बात अलग है। एक मुद्दा बहुत उठाता है कि पाकिस्तानी बॉलर अजीब नई तरीके भी आ रही है, तो उनकी मानसिक स्थिति के बारे में क्या कहना पाकिस्तानी? ओ भाई, ये नहीं बोल सकते, क्या ही बोलें इस बारे में, क्योंकि आपको सबको पता है, हमें पता है, इवन उन लोगों के प्लेयर्स ने भी जो सीनियर्स हैं, जो लेजेंड हैं, जिनको दुनिया मानती है, उन्होंने भी उनको एक्सप्लेन किया है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता,
मानसिक स्थिति क्या बन गई? इसमें हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि वो सोच ही वैसी है। चलिए भाई, एक सवाल और, क्या आपके हिसाब से क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? क्या रोहित शर्मा की वो कैच या विराट का वो आउट होना अचानक बैट से बॉल लग के, क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? या फिर जो एम्पायर्स कॉल एक हुआ था, ट्रेविस हेड और लाबुशानी की जोड़ी वहाँ टूट जाती है एम्पायर्स कॉल में, होता? देखिए, एक ही चीज़ थी, क्योंकि रन हमारे पास उतने ज़्यादा नहीं थे कि हम, अगर काश हमारे पास 300 रन होते तो हम इजीली डिफेंड कर पाते। लेकिन एक चीज़ पे ब्लेम करके मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा रहता है, क्योंकि ओवरऑल टीम को देखा जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है एज ए यूनिट वर्क करना और एज ए ग्रुप वर्क करना। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, शायद थोड़े से रन कम थे। क्या चाहिए भाई, आपकी यहाँ जो अब यूथ है, आपका कल आप आए, कुछ बच्चे आपसे मिलने पहुँचे, कुछ यूथ से बात हुई आपकी? अभी थोड़ा सा टाइम दूंगा उनको भी, और जहाँ पे स्टेडियम का अनाउंस हुआ है वहाँ पे भी जाकर देखूंगा, अगर कुछ मेरे लायक सेवा होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। जो यूथ ट्राई का वो जो तैयारी कर रहे हैं क्रिकेट की, उनके लिए कोई मैसेज? एक ही मैसेज दूंगा कि जो आपके अंदर टैलेंट है आप उसको पहचानें, मेहनत करें। क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो आप लोगों को भी पता है कि कैसी फैसिलिटीज़ थी या यहाँ पे क्या था। बहुत स्ट्रगल करने के बाद यहाँ से ये अचीव किया है। अब अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो बस आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। तो यही कहूँगा कि आप फोकस करें और हार्डवर्क करते रहें।